स्टार प्लस का पॉपुलर शो ये रिश्ता क्या कहलाता है में फाइनली कायरव की तबीयत पूरी तरह से ठीक हो गई है। व्यूवर्स जो इतने बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि कब कार्तिक और नायरा एक बार फिर से मिलेंगे, उनकी ये ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, लेकिन पूरी तरीके से नहीं, क्योंकि कार्तिक की शादी हो चुकी है वेदिका से और अब वो उनके पति हैं। हम आने वाले एपिसोड्स में ये भी देखेंगे कैसे कायरव के लिए कार्तिक और नायरा झगड़ा करते हैं कि आखिरकार कायरव किसके साथ रहेगा। वेल, इन सब के अलावा आपको ये रिश्ता क्या कहलाता, जो कि फेस्टिवल्स को सेलिब्रेट करने के लिए काफी जाना जाता है, आपको इस शो में दिखेगा जन्माष्टमी सेलिब्रेशन। दरअसल होता यूं है कि जन्माष्टमी सेलिब्रेशन के लिए कार्तिक कायरव को गोयनका मैंशन लेके आता है बिना नायरा को बताए। नायरा को जब पता चलता है कि कार्तिक कायरव को गोयनका मैंशन लेके आता है तो वो बहुत गुस्सा हो जाती है और जहाँ पहुँचती है गोयनका मैंशन में, जहाँ वो कार्तिक को ये साफ साफ कहती है कि आगे से वो कभी सोचे भी ना उनको अपने बेटे से अलग करने का। वेल, कार्तिक और नायरा हमेशा की तरह अपना गुस्सा और अपने डिफरेंसेस बाजू में रख के कायरव के लिए एक साथ जन्माष्टमी के सेलिब्रेशन में पार्टिसिपेट करते हैं, जहां वो कायरव के साथ पूजा भी करते हैं। उसके बाद कार्तिक, जो कि अब वेदिका के पति हैं, वेदिका के साथ भी पूजा करते हैं। वेल, आने वाले एपिसोड में आपको ये भी देखने मिलेगा कि कैसे कायरव की कस्टडी के लिए कार्तिक और नायरा एक दूसरे के अगेंस्ट हो जाएंगे, लेकिन हम पूरी तरह से श्योर है कि कायरव उनके मिलन का रीजन बनेगा, ना ही उनके बिछड़ने का। वेल, ये तो हुई शो की बात, लेकिन टेलीविजन दुनिया के लेटेस्ट अपडेट्स, गॉसिप एंड न्यूज के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।